बहा दो फांसी, कह दो गद्दार नहीं रह सकता चुपचाप। जावेद लतीफ की ढिटाई, बयान दोहरा दिया, बोले जिंदाबाद कहते रहें, पाकिस्तान खपे कहते रहें, लेकिन आने वाली नस्लें डूब जाएं, पाकिस्तान को जीते जी डूबने नहीं देंगे। सवाल किया मरियम नवाज को, कत्ल की धमकियां देने वाले कब माफ़ी मांगेंगे। जावेद लतीफ से जो कहलवाया गया बड़ा नामुनासिब था, लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, काबिले कबूल नहीं होगी। जावेद लतीफ की अपनी कोई सोच नहीं, तो बेचारा शतरंज का मोहरा है, जो टेप रिकॉर्डर किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दी। जावेद लतीफ के मुतनाज़ा बयान पर सियासी तूफान, फवाद चौधरी ने जावेद लतीफ को मोरा करार दे दिया, बोले बानी मुत्तहिदा जरूर बने, अंजाम भी सामने रखें। आजम सुवाती ने इस्तीफे का मुतालबा कर डाला, फैयाज़ुल हसन चौहान का लीगी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान ने कहा नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। संदास से सियासी इख्तलाफात को उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी से जोड़ दिया, ये इस बात की काशी करता है कि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातें खसूसन पीएमएलएन को जमहूरियत सिर्फ उस वक्त चाहिए जब ये इक्तदार में। और ताजिर के बेटे की शादी पर नोटों की बरसात, नारोवाल में लुटाने वाले ज्यादा, जमा करने वाले कम पड़ गए, एक घंटे तक लोग पैसे लुटाते रहे, नोट जमा करने वाले खुश होते रहे।